हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सिविल इंजीनियर मुकेश शाह और मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लर्निंग सिविल टेक्नोलॉजी में। और आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि साइट पे जो ट्रक आती है सैंड की, उसका आप कैलकुलेशन कैसे करोगे, उसका वॉल्यूम कैलकुलेट कैसे करोगे अलग अलग यूनिट में, जैसे क्यूबिक फीट में। सीएफटी में हम लोग बालू को मापते हैं ना कि कितना बालू ट्रक में सीएफटी आया है बताओ, तो कैसे बताओगे वो कैलकुलेशन मैं आपको आज बताऊंगा। ये कैलकुलेशन बड़ा दिक्कत होता है क्योंकि हम लोग का जो ट्रक का डाला होता है वो 18 फीट 6 इंची, फिर जाके इसकी चौड़ाई की बात करें तो 6 फीट 8 इंची, मतलब फीट और इंची का कॉम्बिनेशन रहता है तो प्रॉब्लम होती है। और खास बात आज के वीडियो की क्या है ना कि आज मैं आपको क्यूबिक फीट में बताऊंगा, सीएफटी में, क्यूबिक मीटर में बताऊंगा, साथ में कितने ब्रास होते हैं, कितने ब्रास आपके बालू आए हैं ब्रास में बताऊंगा, केजी में बताऊंगा, टन में बताऊंगा, 5 यूनिट में कवर करने वाला हूँ। ठीक है, तो इस टाइप का वीडियो मैं पहली बार आज कवर नहीं कर रहा हूँ, अभी से मैंने 2.5-3 साल पहले बनाया था जिसपे 9 लाख से ज्यादा व्यूज है। ठीक है, 9 लाख से ज्यादा व्यूज है, उस वीडियो को भी आप जाके एक बार जरूर देखिए क्योंकि उसमें मैंने एक बच्चे की तरह आप लोग को सिखाया है। एक बच्चा भी अगर उस वीडियो को देखेगा ना तो वो समझ जाएगा कि कैसे करना है, मैं 100% गारंटी देता हूँ। अगर आप क्लास 5-6 के बच्चों को दिखा दोगे वो वीडियो तो वो देख के समझ जाएगा कैसे काम करना है, अगर उसको डिवाइड करना आता है तो। और जनरली उस वीडियो में मैंने क्या किया था, ये फीट और इंची है ना, इस इंची को मैंने फीट में कन्वर्ट किया था, सबको फीट 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 में, टोटल फीट में कन्वर्ट किया था, इससे वीडियो बहुत बड़ा हो गया था। ठीक है, लेकिन वही बेसिक चीज है जो आपको सीखना है। लेकिन आज के वीडियो में आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा जिससे क्या है कि साइट पे गाड़ी आई, अपने फोन का कैलकुलेटर निकाला और देख के ही करके बता दिया कि हाँ इतना सेफ्टी बालू है आपका। ठीक है, इस तरीके का ट्रिक आज मैं आपको बताने वाला हूँ और वो ट्रिक क्यों यूज करते हैं, वो फैक्टर क्यों यूज करते हैं, उसके पीछे का भी रीजन मैं आपको बताऊंगा। तो पूरा बेसिक क्लियर होने वाला है इस वीडियो को देखकर आपका, तो वीडियो को एंड तक आप जरूर देख लीजिएगा। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, चलिए उसका पहले आंसर हम लोग देख लेते हैं। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि हाउ मेनी लेयर्स ऑफ कॉन्क्रीट फिल्ड इन अ स्लम कोन टेस्ट। इसका मतलब क्या है कि जब हम लोग स्लम कोन टेस्ट करते हैं तो उसमें जब कॉन्क्रीट को फिलअप करते हैं तो वो हम लोग कितने लेयर में भरते हैं। तो इस सवाल का जो राइट आंसर है वो होगा यहाँ पे 3, ऑप्शन बी। ठीक है, अभी जो लेटेस्ट अमेंडमेंट आई हुई है उसके हिसाब से 3 है, पहले ये 4 हुआ करता था लेकिन अब ये आंसर राइट करेक्ट आंसर आपका होगा 3, और ईच लेयर को 25 बार टैम्प्स किया जाता है। तो चलिए वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो के लास्ट में मैं आपसे फिर से एक सवाल पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट में देना है, और उसका जवाब मैं अपने नेक्स्ट वाले वीडियो जो आएंगे मेरे उसमें मैं आपको जवाब बताऊंगा। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिए, क्वेश्चन को देखिए, उसका आंसर आप कमेंट में दीजिए, इससे आपका भी प्रिपरेशन होता रहेगा इंटरव्यू का। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, ये है हमारा ट्रक जिसमें आया है बालू, और हमने क्या किया है कि ट्रक का जो डाला होता है जिसके अंदर वो बालू होती है उसको मैंने क्या किया है, निकाल के पूरा बाहर ही रख दिया है। ठीक है, समझाने के लिए, ये मेरा पूरा डाला है जिसमें वो सैंड भरा हुआ है, ये वो बकेट है जिसमें वो सैंड भरा हुआ है। आज मैं प्लेन नॉर्मल ट्रक कवर कर रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो में हाईवा कवर करूंगा। ठीक है, हाईवा में कैसे हम लोग मेजर करते हैं, मेजर हम लोग सैंड में अगर बालू है उसको बहुत तरीके से कर सकते हैं। एक हम लोग क्या करते हैं कि बालू के लेयर को हम लोग इक्वल करते हैं, उसको चौक से हम लोग मार्किंग करते हैं स्केल के थ्रू, फिर बालू को खाली कर लेते हैं, फिर हम लोग अंदर माप कर लेते हैं लेंथ कितना है, ब्रेथ कितना है, हाइट कितना है। हमेशा एक बात आपको क्या ध्यान रखना है ना, आपको मेजर जो करना है वो ट्रक के अंदर में जाके करना है, कभी भी बाहर से आप मेजर मत कीजिएगा ट्रक का, ये बहुत बड़ा गलती होता है। क्या होता है ना, जो ट्रक का जो ये डाला पड़ा हुआ होता है, इस डाला का एक थिकनेस होता है, वो 35 mm के बटाम से बनता है। ठीक है, 35 mm 1 इंची से ज्यादा हो रहा है, 1 इंची इधर हो जाएगा, 1 इंची उधर हो जाएगा, मतलब 1 इंची इधर 1 इंची इधर, तो चौड़ाई जो आप लोगे ना तो दिक्कत हो जाएगा, आपका लगभग 2.5 इंची ऐसे ही चला जा रहा है, 3 इंची ऐसे चला जा रहा है, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। इसलिए हमेशा कभी भी मेजर कीजिएगा तो डाला के अंदर में आप लंबाई मापिए, ये लंबाई जो है ये डाला ये अंदर से मापिएगा, अंदर घुस कर, नहीं तो क्या होगा कि इधर भी आपका बटाम रहता है वो भी थिकनेस आ जाएगा, आपको बाहर से हमेशा बड़ा ही लेंथ आपको मिलेगा, कभी भी कम मिलने का गुंजाइश ही नहीं है, बड़ा ही मिलेगा हमेशा। इसलिए कभी भी बाहर से आपको मेजरमेंट नहीं लेना है, अंदर से लेना है, ये पहली बात। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप हम लोग क्या फॉलो करते हैं, हम लोग 12 या 16 का सरिया क्या करते हैं ना कि ऊपर से हम लोग
तीन चार जगह क्या करते हैं, अंदर एकदम हैमरिंग करके नीचे ले जाते हैं और उसके बाद निकाल के मार्किंग करके हम लोग उस लेंथ को ले लेते हैं। तीन चार जगह लेंगे, उसका एवरेज कर देते हैं, ठीक है। तो ये चीज ध्यान से दीजिएगा, आपको जो 16 का या 12 का सही जो घुसाना है वो एकदम सीधा घुसाइएगा। अगर आप उसको टेढ़ा घुसाइएगा ना तो लेंथ ज्यादा होता है, ये हमेशा याद रखिएगा। मान लीजिए ये एक डाला है, आपने सीधा घुसाया उसका लेंथ जो आएगा, और अगर आप टेढ़ा घुसाओगे तो इसका लेंथ जो आएगा, ये हाइपोटेन्यूज बनता है, इसका मतलब इसका लेंथ थोड़ा सा ज्यादा जरूर मिलेगा। तो कोशिश कीजिएगा जहां तक हो सके सीधा कीजिए उसको। क्लियर हुआ ये चीज, ठीक है। चलिए अब कैलकुलेशन को सीखते हैं। मान लीजिए हमारे साइड पे एक सैंड आया है, सैंड का जो बकेट है वो इस साइड का है, और इसका लेंथ कितना है 18 फीट 6 इंची, ब्रेथ यानी कि डाला का जो चौड़ाई है वो चौड़ाई कितना रखा है मैंने 6 फीट 8 इंची, और कितने हाइट तक बालू रखा हुआ है 4 फीट 3 इंची, ठीक है, 4 फीट 3 इंची। ये सब मैंने आर्बिट्रेरी खुद से एकदम मन से कुछ भी पकड़ लिया आपको समझाने के लिए, आप अपने साइड पे अपने हिसाब से इसको कीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस लेंथ पर हाइट को यहाँ पे लिख लेते हैं, क्योंकि हम लोग को ये टोटल ये फीट इंची का जो कॉम्बिनेशन है ना, इसको पहले इंच में ले जाना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखे लेंथ, फिर हम लोग लिखे ब्रेथ यानी कि चौड़ाई, और उसके बाद लिखे हम लोग हाइट यानी कि उसका लंबाई, ठीक है। तो लेंथ हमारा कितना है 18 फीट 6 इंची, 18 फीट 6 इंची। हमारा ब्रेथ चौड़ाई कितना है 6 फीट 8 इंची, ठीक है, और हाइट कितना है मेरा 4 फीट 3 इंची। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान रखिए, ये फीट और इंची में हमको इंची में ले जाना है, यानी कि ये इंची वाला तो ऐसे ही रहेगा, फीट वाला जो है उसको इंच में ले जाना है। तो एक आप लोग कन्वर्शन जानना होगा, एक फीट बराबर हमारा होता है 12 इंची, ठीक है, 12 इंच, यानी कि एक फीट में हमारा 12 इंच होता है। तो जितना फीट में निकालना है हम लोग को 12 से गुना कर देना पड़ेगा, तो 18 फीट है, तो 18 × 12 और प्लस 6, ठीक है, क्योंकि ये ऑलरेडी 6 इंच जो है वो इंच में ही है, इसको कन्वर्ट करना नहीं है, वो जोड़ देंगे। उसी तरीके से यहाँ पे 6 फीट 8 इंची है, तो 6 फीट × 12 + 8, ठीक है, और यहाँ पे 4 फीट है यानी कि 4 × 12 + 3, ठीक है। एक चीज मैं आपको ध्यान दे दूं, ये सिंगल डैश है, ये डबल डैश है। एक बार अगर डैश मारते हो इसका मतलब क्या है कि वो फिट में हम लोग लिख रहे हैं, और दो बार मार रहे हो इसका मतलब क्या है कि वो इंच में लिखा जा रहा है, ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा। इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा, ये आपका आएगा 222, ठीक है, 222 इंची। फिर इसको अगर कैलकुलेट करोगे तो 6 × 12 + 8, ठीक है, ये हो गया आपका 80 इंच, और ये अगर आप करोगे तो 48 × 3 = 51 इंच, ठीक है। हम लोग का तीनों क्या हुआ, इंच में निकल गया, बस काम खत्म। अब हम आपको चलिए वॉल्यूम इसका निकालना सिखाते हैं। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, किसी भी चीज का हम लोग वॉल्यूम निकालते हैं तो क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। किसी भी चीज का बोलने का मतलब नहीं है, अगर वो रेक्टेंगुलर क्यूबॉइड है तो, ठीक है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। हम लोग लेंथ अभी निकाला, कितना निकाला लेंथ हम लोग 222 इंच, ठीक है, सीधा लिख दो 222 गुने ब्रेथ कितना निकाले हैं 80, ठीक है 80, और हाइट कितना निकाले हैं हम लोग, हाइट 51, तो 51 लिख दिए। अब एक चीज ध्यान दीजिए, हम लोग को तो वॉल्यूम चाहिए क्यूबिक मीटर में, ठीक है, क्यूबिक मीटर में, लेकिन यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट कर रहे हैं इंच 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 में। अगर इसको ही सिर्फ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या देगा आंसर हमारा, इंच क्यूब में, इंच क्यूब में तो हमें नहीं चाहिए। समझ में आ गया, समझ में आ गया ना। तो हम लोग क्या करना है, इसको क्यूबिक फीट में चेंज करना है। वो क्यूबिक फीट में करने के लिए हम लोग क्या करते हैं ना, सबको 12 से भाग देते हैं। हम लोग ने एक टर्म सुना हुआ है 1728 का, अभी 1728 कहां से आता है, हम लोग क्या करते हैं साइड पे इंच में निकाल के गुना करते हैं और 1728 से यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं, तो क्यूबिक फीट में आंसर दे देता है। अभी 1728 कहां से आता है वो मैं आपको अभी बता देता हूँ, जस्ट 2 सेकंड में, ठीक है, देख लीजिए ये मेरा इंच में है 222। अब कोई भी इंच को अगर आप कन्वर्ट करोगे फीट में तो कैसे करोगे, 12 से डिवाइड करके, एक फीट में 12 इंच होता है ना, अगर आपको फीट में कन्वर्ट करना है किसी भी इंच को तो 12 से डिवाइड करना होता है। तो 222 को आप 12 से डिवाइड कीजिए, ठीक है। अब ये पार्ट क्या हुआ ना, मेरा फीट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, ये वाला पार्ट मेरा फीट में कन्वर्ट हो गया। 80 को फिर से आप 12 से भाग कीजिए, ये पार्ट भी मेरा फीट में कन्वर्ट हो गया। 51 को वापस से आप क्या कीजिए, 12 से डिवाइड कीजिए, तो ये पार्ट भी आपका क्या हुआ कि फीट में कन्वर्ट हो गया। अब ये इंच क्यूब नहीं रहा, अब क्या हो गया, ये फीट 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 यानी कि क्यूबिक फीट हो गया, ठीक है, समझ में आ गया, क्यूबिक फीट हो गया। वही हम लोग यहाँ पे करते हैं, देखो 222
गुने 80 गुने 51। अगर आप ये 12 गुने 12 को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो देखो क्या देता है, 12 गुने 12 गुने 12 1728। यही हम लोग साहित्य क्या करते हैं ना कि डायरेक्ट 1728 से डिवाइड कर देते हैं। तो यही 12 का तीनों मल्टीपल करोगे तो 1728 आता है, जो हम लोग को समझ में नहीं आता है कहाँ से आता है। हम लोग फैक्टर तो यूज कर देते हैं लेकिन कैसे आया ये चीज क्लियर हुआ ना, हम लोग इंच को फीट में कन्वर्ट करते हैं। तो इसको मैं हटाता हूँ यहाँ से, इसको आप मल्टीप्लाई कर दो जो आंसर आएगा क्यूबिक फीट में डायरेक्ट निकल गया आंसर। तो चलिए कर देते हैं इसको, ये आ गया आपका 524.17 इतना क्यूबिक फीट, ये हम लोग CFT भी बोलते हैं साइड पे, ठीक है CFT, इतना CFT। ये मेरा पहला आंसर निकला। अब हम लोग क्या करेंगे, ये मेरा तो CFT में निकल गया, अब चाहिए हम लोग को क्यूबिक मीटर में भी निकालना है। तो चलिए वॉल्यूम इन क्यूबिक मीटर, आप पहले समझ लो, मैं आपको लास्ट में स्क्रीनशॉट का मौका दूंगा, ठीक है। वॉल्यूम इन क्यूबिक मीटर, CUM लिख रहा हूं, ठीक है। अब वॉल्यूम इन क्यूबिक मीटर में निकालने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इसका फॉर्मूला होगा वॉल्यूम इन CFT, जो अभी हमने निकाला वॉल्यूम इन CFT, इसको डिवाइड करना है आपको 35.3147 से। डिवाइड क्यों करेंगे देख लो, क्यूबिक फीट को क्यूबिक मीटर में कन्वर्ट करने के लिए एक फैक्टर हम लोग यूज करते हैं, 1 क्यूबिक मीटर बराबर होता है 35.3147 CFT क्यूबिक फीट, समझ में आ गया, ये एक फैक्टर है इसको याद रखिएगा। देखिए इसको आपको फैक्टर ही याद रखना है, 1 फीट बराबर 12 इंच ये वाला, 1 क्यूबिक मीटर बराबर ये वाला, ठीक है, ये दोनों फैक्टर याद रखना है। बस अब डिवाइड कर दीजिए, कितना आया था 524.17 डिवाइडेड बाई 35.3147, बस डिवाइड कीजिए जो आंसर आएगा वो आपका क्यूबिक मीटर में निकल गया 14.843 इतना क्यूबिक मीटर, ठीक है। चलिए क्यूबिक मीटर में भी हमने निकाल लिया, अब नेक्स्ट हम लोग निकालेंगे ब्रास में, ठीक है। तो चलिए वॉल्यूम इन ब्रास, बहुत जगह बहुत सारे स्टेट में ब्रास में भी बैंड सैंड को मापा जाता है। तो इसका फॉर्मूला होगा वॉल्यूम इन CFT, अगेन इसमें CFT का यूज होने वाला है, और उसको डिवाइड कर दीजिए 100 से। आप 100 से डिवाइड कर दीजिएगा तो आपका क्या होगा कि ये निकल गया। ये क्यों ऐसा हो रहा है, वॉल्यूम ऑफ ब्रास हम लोग निकाल रहे हैं क्योंकि हम लोग को ये पता है एक ब्रास में हमारा होता है 100 CFT, ठीक है, ये चीज हमेशा आप ध्यान रखिए, ये सब यूनिट कन्वर्जन है जो आपको यूज होते हैं। तो चलिए वॉल्यूम इन CFT कितना था 524.17 डिवाइडेड बाई 100, जैसे आप 100 से डिवाइड करोगे ये आपका आ जाएगा 5.24, ठीक है, या आप कन्वर्जन लोगे तो 242 इतना ब्रास। चलिए ब्रास में भी हमारा निकल गया, अब हम लोग निकालेंगे टन में केजी में। तो देख लो बालू को मापना टन में केजी में बहुत मुश्किल है एक्यूरेटली, केजी में जब भी निकालोगे पहले केजी में निकाल लो, 1000 से भाग कर दो तो वो निकल जाएगा आपका टन में। लेकिन बालू में बल्केज होती है यानी कि पानी होता है, और पानी उसके अंदर गया कि वो भारी हो गया, तो एक्चुअल में तो वो उसका वेट नहीं है लेकिन वो पानी की वजह से भारी दिख रहा है आपको, यानी कि बल्केज घुस गया इसके अंदर, तो आपको वेट में भी ज्यादा देगा केजी में, इसलिए इसको ना हम लोग केजी में खरीदते नहीं है, समझ में आ गया, आपका लॉस रहेगा उसमें। तो चलिए हम लोग निकालना फिर भी सीखते हैं क्योंकि हमको बालू का डेंसिटी पता करना है, जो कि आप एक्सपेरिमेंट करके ही पता कर पाओगे लैब में, फिर भी हम लोग यहाँ पे एक टेम्पररी कुछ भी एक पकड़ के आपको सिखा देता हूँ, आपको डेंसिटी तो निकालना पड़ेगा। तो चलिए पहले हम लोग निकालते हैं वॉल्यूम इन केजी। तो वॉल्यूम इन केजी को निकालने के लिए आपको यहाँ पे क्या लगेगा, सबसे पहले वॉल्यूम इन क्यूबिक मीटर, ठीक है, वॉल्यूम इन क्यूबिक मीटर भी हमने निकाला ये वाला पार्ट, ठीक है। तो ये लगेगा इनटू डेंसिटी ऑफ सैंड। अगर डेंसिटी ऑफ सैंड निकालना नहीं आता है तो आप बता सकते हैं, मैं भी आपको बता दूंगा कैसे ये निकालना आता है, ठीक है। तो वॉल्यूम इन क्यूबिक मीटर इनटू डेंसिटी ऑफ सैंड, हम यहाँ पे डेंसिटी ऑफ सैंड मान लेते हैं, चलो डेंसिटी ऑफ सैंड इसको हम लोग यहाँ पे लेट ले लेते हैं 1600, ठीक है। 1600 क्या यूनिट क्या है, kg/m³। एक एम क्यूब का जो मास होगा जो निकलेगा हमारा वो 1600 kg निकलने वाला है, तो इसी 1600 kg को हम लोग यूज करेंगे। ये 1550 भी हो सकता है, 1500 भी हो सकता है, डिपेंड करता है सैंड के टाइप पे, उसके सैचुरेशन लेवल पे, ठीक है। तो वॉल्यूम इन क्यूबिक मीटर कितना आया था हमारा, वॉल्यूम इन क्यूबिक मीटर यहाँ पे चलिए लिखते हैं क्यूबिक मीटर में देख लो 14.843 गुने डेंसिटी मेरा 1600 आया, 1600 से मल्टीप्लाई करके देख लो आंसर कितना आ रहा है, यह आ गया आपका 23,000
748.8 इतना केजी आ गया, ठीक है, ये केजी में मेरा निकल गया। हमको चाहिए अब टन में, टन में जाने के लिए क्या करेंगे, इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो जब इसको हम लोग 1000 से डिवाइड करते हैं यहाँ पे, तो कितना आएगा, तीन पीछे ले लीजिए, 23.749 इतना टन आ गया, मतलब 23.749 टन, इतना टन, ठीक है। टन में डिवाइड कैसे किए हैं हम लोग, यहाँ से यहाँ कैसे गए हैं, आपको डिवाइड करना पड़ा है 1000 से, ये ध्यान रखिएगा। तो ये था ऑल अबाउट कैलकुलेशन, आई होप आप लोगों को सारी चीज यहाँ पे क्लियर हो गया है। स्क्रीनशॉट लेना है, पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आज का सवाल आप लोग के लिए क्या है वो आप पहले सुन लीजिए, जिसका जवाब आपको कमेंट में देना है। तो आज का सवाल है आप लोग के लिए, थिकनेस ऑफ टैंपिंग रॉड यूज्ड इन स्लम कोन टेस्ट, यानी कि स्लम कोन टेस्ट करते वक्त जो टैंपिंग रॉड होती है जिससे हम लोग टैंप करते हैं कॉन्क्रीट को, उसका डाया क्या होता है एज पर IS कोड, ठीक है। इसके लिए ऑप्शन है यहाँ पे 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm। तो गाइस जल्दी से जाइए कॉमेंट सेक्शन में और जो मैंने सवाल पूछा उसका जवाब आप लोग जरूर दीजिए, जिसका जवाब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, जैसे कि मैंने इस वीडियो को स्टार्ट करते हुए अपने प्रीवियस वीडियो का आंसर बताया था, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताइए, इससे मोटिवेशन मिलता है। और एक काम करना है भाई आप लोग को, वो क्या करना है ना, इस वीडियो को दबा के शेयर करना है, और कुछ नहीं करना होगा, लाइक मत करो या चैनल को सब्सक्राइब भी मत करो, लेकिन इस वीडियो को शेयर करो। जॉब की ऐसे ही बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, क्यों, क्योंकि स्किल नहीं है हमारे पास, और स्किल तभी होगा जब आप सीखोगे, शेयर करोगे दूसरों को। तो वीडियो को प्लीज दूसरों तक शेयर कीजिए ताकि वो सीख पाए, एटलीस्ट चीजों को जान पाए। उसके बाद अगर नहीं होता है तो वो तो लक के ऊपर है, लेकिन खुद से तो मेहनत करना है ना, तो वीडियो को प्लीज शेयर कीजिए। तो गाइस आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर कुछ न्यू टॉपिक के साथ, धमाकेदार न्यू टॉपिक के साथ, और सीखेंगे कुछ नया। आज के लिए गाइस इतना ही है, तब तक के लिए जय हिंद।